मैं पहले बहुत नर्वस थी और जैसे ही मैं आ रही थी तो मैंने ऑलरेडी आज मॉर्निंग में थोड़ा बहुत हमें काम था एंड मॉर्निंग से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, तो आई फील लाइक डाउन. लेकिन जैसे ही मैंने पब्लिक देखा, क्रेज़ देखा, वो डांस, वो फॉग एक दूसरे पे, ट्रस्ट मी, मेरे चिक्स ऑटोमेटिक हाई हो गए. और ये मेरा फर्स्ट मूवी था तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. एंड मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट है बस बिकॉज ऑफ यू. सारा मीडिया, सारे लोग, सब ने बहुत सारा प्यार दिया है. मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती वर्ड्स पे. वो सब देख के मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बोल नहीं सकती. थैंक यू सो मच, बस थैंक यू सो मच एवरी वन. आप सब मीडिया में, आप सब लोग. मेरी फर्स्ट मूवी थी, मैं बहुत नर्वस थी, ट्रस्ट मी, कि ये मूवी में कैसा होगा, लोग आएंगे या नहीं. एंड हाउस फुल है, लोग सीढ़ियों पे भी खड़े हैं. एंड आई एम सो हैप्पी. बहुत क्रेजी है यहाँ का भी सिनेमा, यहाँ की लोग बहुत क्रेजी है और यहाँ की भी इंडस्ट्री बहुत ऑसम है. ट्रस्ट मी, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन करता है ना कि यहाँ की और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है, तो मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, मे बी आपका बजट का होगा डिफरेंस, बट लोग और आपका क्रेज और आपकी मूवीज इक्वली हैं, इक्वली, ट्रस्ट मी. बहुत बेसिक खुशी कारण मैंने जो मूवमेंट को मैंने वेट करके था, वो फिल्म रिलीज हो पाई का स्पेशली, तो भिड़ रू तो आप जानी पड़ते हैं. खुशी समस्त को देखिक मत बढ़िया लगुच. एंड मु प्रथम जन आर्टिस्ट कि जन ऑडियंस भाव में फिल्म टी एंजॉय करी, मतलब बुड़ी जाती बाइट नाप आसपाइन टी रुत आसिकी देवी, कारण जो ओडिया फिल्म आम दर्शक कॉविड पर हल रु मैंने आम गोटे देखी थे डिस्टान्स, कितना एत दिन पर एंड आम फिल्म आसी मैंने गोटे टीम वर्क, केवल मु नुहे, प्रत्येक आर्टिस्ट आम फिल्म निजर 100% देखते समस्त परफॉर्मेंस मत तो भल लगुच. आपको इतनी की रिक्वेस्ट करी आसतु आमको एमती भल पाया दिंतु एंड फिल्म टी आसिक पूरा एंजॉय करूँ.